जिले में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको सब पता है कि हम हमेशा हरियाणा में चुनाव की शुरुआत कुरुक्षेत्रा से करते हैं। लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी हम कुरुक्षेत्रा में सबसे पहले आए थे और आज हम फिर हम विधानसभा के इलेक्शन के अंदर हम कुरुक्षेत्रा के अंदर खड़े हैं। सबसे पहले हम आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात कराएंगे, उसके बाद यहाँ की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट क्या है वो हम बाजारों में जाकर आपको बताएंगे। और हमारे बीच में जो मौजूदा MLA सुभाष सुधा जी मौजूद हैं। सुभाष सुधा जी, सबका सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर्वप्रथम अर्थ प्रकाश न्यूज जी का यहाँ क्षेत्र में आने पर जो उन्होंने मन की ग्राहियों से जो आज यहाँ हमारे घर वोट लेने आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने मैं कहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का, कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा जी का, हरियाणा के दूसरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हम अपने हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी का धन्यवाद करूंगा। पूरे संगठन का, जिन्होंने मुझे विश्वास रखे एक बार दोबारा से मुझे यहाँ से टिकट देके यहाँ से कैंडिडेट बनाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, एक बात मैं आपके बीच में कहूँगा कि जो बच्चा पूरा साल क्लास में जाता है उसको पता होता है कि मेरे कितने मार्क्स आने हैं। हमने 5 साल में जो किया, जो कर्म किया, जो काम किया, हमें पूरा पता है कि हमारी जनता हमें उसके कितने मार्क्स देगी। इसमें कोई कहने की वजह नहीं, ये मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, मैं 100% स्कोर कर सकता हूँ। तो आज देख रहे हैं किस भावना से आपके सामने मेरे बहुत से सामने। सुधा जी, जैसे कल परसों कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र को आप कौन सी दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसने जितने भी घोषणा पत्र पहले किए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मेयर के इलेक्शन हुए, हम सारे इलेक्शन जीते, 22 इलेक्शन हुआ, जींद का जीते, 10 की 10 अभी पार्लियामेंट में जीते। अगर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके देती है, जो घोषणा पत्र अभी आएगा हमारा उसको पर हम काम करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी है। जैसे हम आप सब लोगों के बीच में जाते हो तो मेन मुद्दे आप कौन से उठाते हो, जैसे डेवलपमेंट? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, मैंने आपके सामने कहा 1966 के बाद 50 वर्ष में आदरणीय मेरे बहुत से मंत्री विधायक मेरे यहाँ से आए, उन लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन उनसे 100% ज़्यादा काम हमने किया। ये सोच भी नहीं सकते थे 50 वर्ष के बाद इन 5 सालों में इतना काम होगा, क्योंकि उनका कोई विज़न ही नहीं है। हम लोग विज़न लेके चल रहे हैं, किस प्रकार से हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देना, किस प्रकार के एजुकेशन यहाँ बनाना, किस प्रकार के स्पोर्ट्स की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, हमने चारों पहलू को लिया, उसको लेके आज हमने काम किया। आज आपके सामने 24 तारीख है आएगी, उसमें आपको पूरा झड़ पता लग जाएगा कि कैसे वर्किंग हमने की। सुधा साहब, जैसे पूरे हरियाणा के अंदर एक सबसे बात अजीब हमें यहाँ पर देखने को मिली, आपने एक नारा दिया बोर्ड दो हंसकर, ये कैसे, इस नारे पर बारे में बताइए। देखिए, जीवन के अंदर मेरी एक बात है कि जैसे हम दिवाली मनाते हैं, हर साल आती है, होली मनाते हैं, विशाखी मनाते हैं, हर त्यौहार ये हिंदुओं का त्यौहार है और देश के अंदर हर त्यौहार हमारा, हमारी संस्कृति है देश की, जो भी काम करते हैं हम हंस के करते हैं। और कोई भी त्यौहार है हम रो के मनाएंगे, कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। त्यौहार होता है नए कपड़े पाने, फ्रेश होके, हाँ जी, बढ़िया खुशियों से बनाना, तो त्यौहार मनाते हैं। इसी तरह ये भी हमारा 5 साल के बाद देश के अंदर एक पार्लियामेंट का त्यौहार आया, इस पर हमारा क्षेत्र हरियाणा का विधानसभा का त्यौहार आया, तो ये त्यौहार जो आया इसको खुशियाँ भरा बनाना चाहिए। खुशियाँ भरा वही बना सकते हैं जिनको पता होता अंदर की भावना से कि मैंने कर्म क्या किया। तो ये मैंने अभी अपने साथियों का, आप वोट मांगने जाएंगे हंस के मांगने जाएंगे, जो रो के वोट मांगने जाएंगे उसको कोई वोट नहीं देता आजकल। तो आप कॉन्फिडेंस से बताइए ना, मैंने ये काम किया, आप तो अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं, आप वोट क्या मांगेंगे? आप वोट कॉन्फिडेंस से जाके वोट मांगेंगे, हंस के मांगेंगे, क्योंकि वाकया इसको वोट मिलनी चाहिए। सुधा साहब, जैसे ऐसा कोई काम तय 5 साल के अंदर जो आज तक कभी कुरुक्षेत्रा में नहीं हुआ और आपके यहाँ पर आने से हुआ है? साथियों, मैं एक काम नहीं, बहुत से काम करा सकता हूँ। एलिवेटेड ट्रैक्स 5 फाटक खत्म करके 225 रुपये का हमने एलिवेटेड ट्रैक पा दिया। गैस लाइन पाइप बिछाने का काम 100 करोड़ रुपया, इसी के साथ 52 कॉलोनियों के अंदर सीवरेज पाना, वाटर सप्लाई, ट्यूबवेल लगाना 50, उसके बाद 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान लगाना, ड्रेन की व्यवस्था करना, साथियों पूरे सेक्टर के अंदर दोबारा से बनाना, उन 52 कॉलोनियों को हमने बनाया, सारे सेक्टरों को बनाया, सारी मेन रोड बनाई, इसका मतलब सारा शहर पार के हमने नया बना दिया। ब्रह्मसर का चलता पानी, ज्योति सर का चलता पानी, साथियों एक एक पहलू हमने लिया। हमने यहाँ एजुकेशन हब बनाने का काम किया, स्पोर्ट की दृष्टि से सारे योग हमने स्टेडियम बनाने का काम किया, इसे हेल्थ की दृष्टि से हमने हॉस्पिटल बनाया, अपना यूनिवर्सिटी बनाई, नर्सिंग कॉलेज बनाया, तो हमने हर पहलू को लेके काम किया है। और मैं दावे से कहता हूँ, जो पक्ष के लोग हैं ना, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं अशोक अरोड़ा जी, उनके बारे में देखिए, अशोक अरोड़ा जी प्रत्याशी हैं, जो अशोक अरोड़ा जी बहुत बढ़िया आदमी है, बड़े लोग प्यार से बोलते हैं, उनको पता है राजनीति क्या होती है। उन्होंने चौटाला जी के साथ रहे, उन्होंने कभी स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरा क्या विजन है, मैं कहाँ पर नाम कहूँ। मैं एक बात कहता हूँ, 90 विधायकों से परमात्मा ने हमें एक विधायक बना दिया,
ये थोड़ी बात नहीं होती। और आदमी उसमें से एक बना उसको भी अपने आप को बेच दे तो मैं कहता हूँ वो किसी वाली, पहले तो कौन बदनाम होता है, किस परिवार से है, फिर उसका समाज बदनाम होता है, फिर उसका शहर बदनाम होता है। देखिए आपका विधायक का नाम है, आज मैं बता रहा हूँ मेरा बेटा है और मैं गलत काम करूँ तो ये कहेंगे कि विधायक जी तो लुच्चा है, पैसे कमाता है, इसका बेटा अच्छा है। अरे वो अपना कर्म करे, वो अच्छा कमाए, मैं अपना कर्म करके जाऊँ मैं अच्छा कमाऊँ। साथी सोच बड़ी होनी चाहिए। और जीवन में इंसान आया, उसने नाम नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया। और हमारे तो बुजुर्ग भी एक बात कह गए थे, रोटी खाना नमक से हमें समझा के गए थे, तो मैं बड़ी बोल्ड होकर कहता हूँ इस बात को। मैं कहता हूँ कोई अधिकारी ला के दिखा दो, कोई अधिकारी कहते ट्रांसफर में कहीं एक पैसा कोई कमीशन में कोई गलत काम किया हो हम छोड़ दें। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट पे कब्जा किया, ये हमारे एजुटी रेजिडेंट था उस पर कब्जा किया, ये जाके चौटाला साहब के पास कोई नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी नहीं मांगते थे, कोई छोटे छोटे बच्चों के जीवन के लिए कुछ नहीं मांगते थे। ये क्या मांगते थे, ये मांगते थे मुझे पंप दे दो, मुझे होंडा की एजेंसी दे दो, मेरे को नाम क्या वो दे दो, एक सिग्नस हॉस्पिटल दे दो लोगों को कपड़े उतारने के लिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हॉस्पिटल 100 बेड का एसी, इनके हॉस्पिटल में बढ़ जाओ 4 लाख से बंदा बाहर नहीं आता, आप घर को बेटा होटल बना दिया कपड़े उतारने के लिए, पोस्ट ऑफ जमीन रख दिया। अरे कहाँ से बन गई भाई, ये आदमी वो था जो आदमी है गुरदार सिंह सैनी के साथ काम करता था, गुरदार सिंह सैनी यहाँ पे एमपी हुए, ऐसे ईमानदार एमपी हुए आज तक नहीं मिले, जिन्होंने जीवन अपना गवा दिया। अरे उनके उन्होंने तुझे टिकट लेके दिया, उनकी कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेके आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। और कहाँ पार्टी पर, अब ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये ओम प्रकाश चौटाले का नहीं हुआ, चौटाला ने इसको मैं बता रहा था, इसको क्या बनाया, इसको चेयरमैन बनाया, इसको मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया, इसको बनाया नाम क्या ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया, स्पीकर बनाया, उसने 20 साल तक इसको प्रदेश अध्यक्ष बना कर कहा, अपने बेटे से बढ़कर कहा, जब बाप अपने बेटे का नया बुढ़ापे में तो जनता का कहाँ से हो जाएगा साथ। तो भाइयों बहनों देखा आपने सुभाष सुधा जी किस दावे के साथ ये कह रहे हैं, किस दावे के साथ कह रहे हैं, अपने विजन क्लियर करके कह रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट कार्य को देकर पूरी तरह से चुनावी दंगल के अंदर इन्होंने ताल ठोक दी है। और ये भी एक महज इत्तफाक है सुभाष जी, जब हम पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर आए थे नीलकंठ में मिले तो उसे 2 दिन बाद मोदी साहब की रैली थी और आज फिर हम आपके पास आए, आज भी 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली है, तो आपको नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर साहब आप पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, मेरी एक आप पर या कुशेत्रा पर? मेरी एक बात है, मैंने आपके पास कही थी, हम 9 विधायक मंत्री बैठे थे, मैंने एक बात कही थी, मेरे से बहस करने लगे MLA, हमारे MLA मंत्री, मैंने कहा 9 विधानसभा है अधिनायब सैनी जी, आप सबसे ज़्यादा वोटों से जीतोगे तो थनेसर विधानसभा से जीतोगे, वो कैसे ही, मगर मुझे अपनी जनता पर विश्वास है, मेरा कर्म है, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। तो अब क्या अभी बताता हूँ, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ गए, तो प्रधानमंत्री जी का ऐसा आशीर्वाद है, मैंने अभी बोला है प्रधानमंत्री जी तो बाकी तो स्पीच बहुत बड़ी देंगे, जिनको पूरा आज विश्व अपना प्यार करता है और डंका बजता है जिनका प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी जब आएंगे ना एक ही लाइन में उनका ख़त्म कर देंगे, भाई और बहनों ये टोए नहीं पाएंगे, आपको बता दूँ बात, इनकी पेटियाँ खाली मिलेंगी। हम जीतते हैं विधानसभा में, हम पार्लियामेंट में 54,000 से जीतते हैं, मैं दावे से कहता हूँ उससे 1.5 वोटों से हम जीत कर दिखाएंगे। तो देखा कि आपने सुभाष सुधा जी ने किस कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं ही अपना जो लोकसभा में रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को मैं विधानसभा के अंदर मैं खुद ही तोड़ूंगा, ये कितने दावे के साथ कह रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।